वेलकम टू माय चैनल अरुण ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्कशॉप। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अरुण कुमार गुप्ता, आज हम एल्युमिनियम डोर पाउडर कोटिंग बनाने जा रहे हैं। ये है एल्युमिनियम ब्राउन पाउडर कोटिंग। एल्युमिनियम में मार्किंग करके बनाते थे, मार्किंग कर देंगे कि सब अलग अलग दरवाज़ा का नापी अलग अलग बताएँ। ये मेरे दुकान का बैनर है, अरुण ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्कशॉप फर्नीचर। सभी एल्युमिनियम कटिंग करने के बाद ये देखिए चौखट में कतरा काटा जा रहा है। कतरा कटिंग करने के बाद आप कटकोना से मिला लें ताकि बराबर हो। मैंने मशीन को बराबर एंगल में बांध के रखा हुआ है जिससे कतरा परफेक्ट कटता है। चौखट कटिंग करने के बाद इसे पल्ला का काम किया जा रहा है। पल्ले के इसमें दोनों ऊपर नीचे एसीपी रहेगा, इसी काम से आप बीच के सेंटर से नापी लें और एसीपी को बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए इसमें बीच में मार्किंग कर लें और वो भी परफेक्ट करें। इसके बाद जो इसके जो प्रोफाइल आप लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से मार्किंग करें। मार्किंग आप ऊपर नीचे दोनों करें ताकि पंच करने और स्क्रू पचने में आपको दिक्कत ना हो। मार्किंग करने के बाद आप जिस प्रोफाइल के मार्किंग किए हैं उसी प्रोफाइल से आप इसमें पंच कीजिए। मार्किंग करने के बाद आप जहाँ पंच किए हैं उसी अनुसार स्क्रू के अनुसार होल कीजिए। उसमें स्क्रू इस साइज का प्रोफाइल है इसके लिए पंच किए थे। होल उसका और इसमें स्क्रू को बैठने के लिए इसमें कोटेशन किया जाएगा। आप जितना भी दरवाज़ा बनाते हैं एल्युमिनियम का आप उसमें कोटेशन ज़रूर करें ताकि दरवाज़ा खोलने और लगाने में दिक्कत नहीं हो। ये देखिए कोटेशन इस प्रकार से होता है, आप 18 mm या 12 mm के बीच से भी कोटेशन कर सकते हैं। पूरा एल्युमिनियम में कोटेशन कर लें। उसके कोटेशन कंप्लीट हो चुका है। कोटेशन करने के बाद आप एल्युमिनियम सेक्शन को एक प्लेट लें और इसमें एक कब्जा है लोहा का, इसमें हमने अपना तरीका से बनाया इसको। और इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम के साइड में स्क्रेच नहीं होता है जिससे दागी में होता है। इसे फैलाने से एल्युमिनियम का फिनिशिंग बहुत इस साइड का जिससे पंच किए थे वही सेक्शन है। इसको आप मशीन में कटने से इसमें बावड़ी आ जाता है, इसे यहाँ से आप फाइल से इसको फिनिशिंग कर लें जिससे हाथों में रुखापन ना लगे और फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगा।
फर्स्ट डे आप इसे डेवर से कर सकते हैं, मैंने मशीन से करता हूँ। जहाँ जहाँ आप जिस प्रोफाइल के हॉल के थे वही उस प्रोफाइल को करिए, बाद में आपको परेशानी ना हो। फाइल कसने के बाद आप इसका स्थिति का नाप उठा लें, और दरवाज़ा ज़्यादा होने के कारण से हमें कागज़ में लिखना पड़ा तो इसी सेक्शन में लिखना पड़ता है। आप अपने अनुसार नाप उठाएं जिससे आपको परफेक्ट लगे। नाप उठाने के बाद आप स्थिति कटिंग हो चुका था, इस चिकन में रबड़ लगा लें, ये पीवीसी रबड़ है, इसका टिकाव बहुत दिन रहता है। आराम से बिठा लें इसे, इसमें एल्युमिनियम प्रोफाइल डालने में दिक्कत नहीं है, सीमेंट डालने में दिक्कत नहीं है। ये एसीपीट प्रोफाइल डला चुका है, इस पर सेक्शन कसाएगा, और इधर चौखट भी बन के रेडी हो चुका है। चौखट देखने के लिए खतरा आपका बराबर मिल गया, आप अपने अनुसार फाइल मार के इसको बैठा लें ताकि फिनिशिंग बराबर हो। इसमें फिटिंग लगाए जा रहे हैं, और अपने बजट के अनुसार इसमें कुछ लगा सकते हैं। मैंने स्टील कब्जा 3 इंची का दिया हुआ है, और पांड स्क्रू खास करके यूज करें, इसमें हार्डवेयर में पकड़ बराबर पकड़ रखता है। मैंने एल्युमिनियम सिल्वर में सिकनी और हैंडल को लगाया है, और 6 इंची का स्टील कब्जा है। दरवाज़ा बन के रेडी हो चुका है, अभी साइज बढ़ जाएगा। दरवाज़ा अधिक होने के कारण से वीडियो को कटे बनाना था। बड़ा दरवाज़ा था और हाइट भी ज़्यादा था, इसके कारण से इसमें चार जगह फंक्शन देना था। अब हाइट ज़्यादा होने के कारण से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये मेरा दुकान का बैनर है अरुण क्लास एल्युमिनियम वर्कशॉप, और ये NH हाईवे के किनारे है मेरा शॉप, इसी कारण से आप वीडियो में अक्सर गाड़ियों का आवाज़ सुनते होंगे। ये अभी ओवरब्रिज का काम चल रहा था, और ये मेरा फुल शॉप है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें।